Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the last section of this chapter, Forest Society and Colonialism. This is related to another country. It's called Java. Java Indonesia के पास एक छोटा सा island है, लेकिन वो natural resources से भरा हुआ है. वहाँ के forest, resources, बहुत सी ऐसी संपदा से भरा हुआ है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते. ये पूरा हरा भरा आइलैंड था, पर जैसे कि इंडिया में हुआ कॉलोनियल रूल आया, और ये कॉलोनियल रूल ने इंडिया के जिस तरह से फॉरेस्ट को बर्बाद किया, तबाह किया, वैसे ही जावा में कॉलोनियल सिस्टम आया. ये कॉलोनियल सिस्टम डच लोगों ने लाया था, और उन्होंने भी वहाँ की जो हरी भरी हरियाली थी, वहाँ की संपदा थी, उसे पूरे तहस नहस कर दिया. अपनी इंडस्ट्रियल रेलवे, शिप, इन सब की भूख मिटाने के लिए उन्होंने पूरे जंगलों को तबाह कर दिया, तहस-नहस कर दिया. तो हम इस आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, इस जावा आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, किस तरीके से उन्होंने इस परिस्थिति को उभरा. इंडिया से भी बुरी कंडीशन जावा की हो गई थी, क्योंकि वो दो वर्ल्ड वॉर के बीच में फंस चुका था. इस वर्ल्ड वॉर का हर्जाना पूरा का पूरा जंगल और जंगल कम्युनिटीज़ को देना पड़ा. हम जानेंगे कि किस तरीके से जावा ने रिबेल किया, वहाँ पे उन्होंने अपराइज किया, और अपने सारे संपदा को बचाने की कोशिश की. उन लोगों ने किस तरीके से सिचुएशन को देखा, हैंडल किया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में पढ़ेंगे, और जानेंगे कि जावा जो कि एक आइलैंड समूह है, उसने किस तरीके, ज़्यादा वहाँ पर आबादी भी नहीं थी, इंडिया समान पॉपुलेशन में भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस युद्ध में अपना कैसे योगदान किया, कैसे इन्वायरमेंटलिस्ट ने जो कम्युनिटी थी, जावा कम्युनिटी ने, उन्होंने फॉरेस्ट बचाने के लिए अपना योगदान दिया, और उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ों को देखा और लिया. ओके स्टूडेंट, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. जावा जो आज राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है इंडोनेशिया में, एक समय था जब जावा पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर था, पर वहाँ पे भी कॉलोनियल पावर आई. वो कॉलोनियल पावर थी डच, और उन्होंने वही सिमिलर लॉ बनाए फॉरेस्ट कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया में, जिस तरीके से इंडिया पे ब्रिटिशर लोगों ने लॉ बनाए थे. जावा जो इंडोनेशिया में है, डच ने वहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया, जैसे ब्रिटिशर लोगों ने टिम्बर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई करी, वैसे ही जावा में भी शिप बिल्डिंग के लिए पेड़ों की कटाई हुई. 1600 में जावा की जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी. वहाँ पे बहुत से गांव थे जहाँ फर्टाइल प्लेन था, जहाँ पे बहुत सी कम्युनिटी रहा करती थी, कुछ माउंटेन्स में और कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करती थी. वुड कटर ऑफ जावा. कलंग जो जावा कम्युनिटी में सबसे स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, वे 1755 में मतरान किंगडम, जो जावा का सबसे बड़ा किंगडम था, वो स्प्लिट हुआ, तो 6000 जो कलंग फैमिलीज थे वे इक्वली डिवाइडेड हो गए दो किंगडम्स में. अब जो वे हार्वेस्ट किया करते थे टीक वुड को, ताकि उस टीक वुड से राजा का महल बना सके, वे बहुत
डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि लोग बढ़ चुके थे। ठीक है, डच ने जैसे ही कंट्रोल किया फॉरेस्ट पे 18 सेंचुरी पे, उन्होंने सबसे पहले कलंग जो लोग थे उन्हें कंट्रोल किया, उनको अपने अंडर काम के लिए लिया। 1770 में कलंग ने डच की जो अटैकिंग थी उसको रजिस्ट किया और रजिस्ट किया, बट ये अपराइजिंग सप्रेस कर दिया गया डच के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि डच की जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी वो कैसी थी। 19 सेंचुरी की शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट टेरिटरी थी उनको पूरी तरीके से डच लोगों ने कंट्रोल किया और वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ लाया। विलेजर लोग को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वे फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते। अब जो पेड़ कट रहे थे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए काटे जाते थे, सिर्फ बोर्ड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, और वो भी फॉरेस्ट जो गार्ड्स है उनके सुपरविज़न में ही कटाई होती थी। अगर विलेजर्स लोग इन फॉरेस्ट में अपने कैटल्स लोगों को लेके आ जाते, ट्रांसपोर्टेशन करते हुए वुड के लिए उनको अगर बिना परमिट के पकड़े जाते या ट्रैवलिंग करते फॉरेस्ट से अपने हॉर्स या बुलक हॉर्स कार्ट से, तो उन्हें पनिश किया जाता। जैसे कि इंडिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए, वैसे ही जावा में भी शुरू हो चुका था। ये हम पिक्चर देख सकते हैं कि जावा में भी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कारण किस तरीके से फॉरेस्ट की कटिंग शुरू हुई। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉरेस्ट जो सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया की तरफ वो 1882 में टोटल 280,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए जावा से, खाली अकेले जावा से, इंडोनेशिया से तो और ज़्यादा हुआ होगा। फिर ऑल द रिक्वायर्ड लेबर्स, जितने भी रिक्वायर्ड लेबर्स थे ट्री ट्रांसपोर्टेशन लॉग और स्लीपर प्रिपेयर करने के लिए, उनको इकट्ठा किया गया। डच ने कैसे इकट्ठा किया उसे, डच ने रेंट इम्पोज किया, लैंड जो भी कल्टीवेटेड लैंड था उन पे मनमाना टैक्स लेने लगे, फॉरेस्ट में जो लैंड था उन पे टैक्स लेने लगे। और अगर विलेजर्स लोग चाहते थे कि वे इन टैक्स से बच सके तो उनको अब थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, फ्री लेबरशिप करनी होगी, अपने बफेलोस को कटिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिम्बर के लिए उपयोग में लाना होगा। तो रेंट एग्जेप्शन के कारण विलेजर्स लोग छोटा मोटा काम वहाँ पे करना शुरू किए, बट उनको अभी भी फॉरेस्ट के लैंड में मनमाने तरीके से कुछ भी चीज़ काटना या इकट्ठा करना रिस्ट्रिक्टेड था। सामिंस चैलेंज 1890s में सुरंतिको सामिन जो रंदू बल्तुंग गांव का था, उसने टीक विलेज से अपने ओनरशिप जो विलेज में उनकी सत्ता है उसके लिए क्वेश्चन करना स्टेट से शुरू किया, मतलब डच स्टेट डच गवर्नमेंट से शुरू किया। उसके आर्ग्यूमेंट स्टेट से थे कि विंड वाटर अर्थ और वुड ये प्रकृति की देन है, ये किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए हम उन्हें टैक्स दे या फिर उन पे वो अपनी डच लोग अपनी सत्ता स्थापित करें। जल्दी ये मूवमेंट बड़े पैमाने में डेवलप हो गया। इस मूवमेंट में सामिंस के जो सन इन लॉज थे, दामाद थे, उन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया। 1907 में
3000 फैमिलीज जो है उनकी फॉलोअर बन गई, उनके आइडिया को फॉलो करने लगी। सामिन ने प्रोटेस्ट किया किस तरीके से, वे जंगलों की ज़मीन पे सो गए। जब डच सर्वे के लिए आए तो उन्होंने ज़मीन पे लेटकर प्रोटेस्ट किया, और बहुत लोगों ने टैक्स और फाइन ना दे करके और कोई भी फ्री लेबर्स परफॉर्म ना करके प्रोटेस्ट जारी रखा। आप मैप में देख सकते हैं ये इंडोनेशिया के आइलैंड है, जावा, सुमित्रा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारे इंडोनेशिया के छोटे आइलैंड्स हैं। ओके स्टूडेंट, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने फॉरेस्ट इम्पैक्ट का बहुत ज़्यादा रोल था, फॉरेस्ट का जो मेजर इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। इंडियन जो वर्किंग प्लान था उस समय बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों की कटाई करी ताकि ब्रिटिश की जो वार नीड उसको पूरा कर सके। जावा जो जावा जापानीज के रीजन को हथियाने से पहले जो डच के फॉलोड रूल था कि क्रॉस द अर्थ पॉलिसी उन्होंने चालू किया। जब जापानीज लोगों ने जावा पे हमला किया उस पर कब्जा करने के लिए, तो डच लोगों ने स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी चालू किया। उन्होंने जितने भी सौ मिल थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, बड़े बड़े जो जाइंट पील थे टीक वुड के उन्हें जला दिया ताकि वे किसी भी तरीके से जापानीज के हाथ में ना जाए। जापानीज लोगों ने आते ही फॉरेस्ट को रेकलेसली एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने भी अपनी वॉर इंडस्ट्रीज के लिए पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई करी, फॉरेस्ट विलेजर्स को फोर्सफुली काम पे लगाया गया ताकि वो पेड़ों की कटाई कर सके। बहुत से जो विलेजर्स लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और उन्होंने अपना कल्टीवेटेड जो फॉरेस्ट लैंड था उसको कल्टीवेशन बदला, वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी करी। युद्ध के कुछ समय के बाद इंडोनेशिया जो है वो फॉरेस्ट सर्विस में फिर वापस आ गया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो थी वो एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया में भी एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत थी, और ये जो था ये कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि जब ज़मीन की खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरत हो तो ज़मीन आए कहाँ से, तो पेड़ों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी वो अपनी ज़मीन दे नहीं रही थी, वो उनके कंट्रोल में थी और फॉरेस्ट को काट के ही वे अपनी ज़मीन कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो है न्यू डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। 1980 में गवर्नमेंट ने एशिया और अफ्रीका में ये देखा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे जो पॉलिसी बनी हुई है वो कहीं से भी साइंटिफिक की फॉरेस्ट्री नहीं है। फॉरेस्ट जो कम्युनिटी है उनको फॉरेस्ट से दूर रखना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। जो कंजर्वेशन फॉरेस्ट का किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टिम्बर्स मतलब फर्नीचर के लिए ही किया जा रहा है ताकि वो फर्नीचर की मांग को पूरा कर सके, कहीं से भी फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो गोल है कंजर्वेशन का फॉरेस्ट को बचाने का वो कहीं से भी पूरा होता है नज़र नहीं आ रहा है, और ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेते। इंडिया में जो मिज़ोरम है, केरल है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट जो सर्वाइवल है वो डेंस फॉरेस्ट जो है वो आज भी सर्वाइव कर गया। उसका कारण ये था कि जो विलेजर लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इस कटाई को रोका। ठीक है, जो कुछ विलेजर्स थे जिन्होंने अपने फॉरेस्ट की रक्षा करी वे लोग अपने घर के काम करने के बाद
फॉरेस्ट के गार्ड का काम क्या करते, वे फॉरेस्ट में जाते और फॉरेस्ट में फ्री गार्डशिप किया करते। जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थे और इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो आज भी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाए और फॉरेस्ट को बचाया जाए। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।